जैसा कि दोस्तों आपको पता है, ओम प्रकाश राजभर हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। तो भाई दोस्तों, आज जो ओम प्रकाश राजभर हैं उन पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका भाई मनोज मौर्य और आप लोग देख रहे हैं सम्राट दस्तक। दोस्तों आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर जो कि आप उनके बयान हमेशा सुनते होंगे, जो कि अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें, अगर उन्हीं के बयान के मुताबिक अगर आप उनको देखोगे तो वो अपनी बाप की औलाद नहीं है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये हम नहीं कह रहे, ये ओम प्रकाश राजभर का कहना है। दोस्तों आपको बता दें, जब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अलग हुए थे तो उन्होंने एक ऐसे बयान दिए थे, उन्होंने बोला था कि अगर मोदी और शाह को गुजरात ना भगा दिया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। ये दोस्तों हमारा कहना नहीं है, और ये ओम प्रकाश राजभर का कहना है। ये आप देख लीजिए, बराबर में जो आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिख रही होगी, न्यूज़पेपर ने छापा है कि ओम प्रकाश राजभर ने बोला था अगर मोदी और साहब को गुजरात ना भगा दिया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। दोस्तों सोचिए आप कि ओम प्रकाश राजभर, आज ही उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है। और दोस्तों आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, बराबर में जो आज की ही फोटो है, मुलाकात की है, जो ओम प्रकाश राजभर बिल्कुल गिरगिट की तरह दोस्तों रंग बदलते हैं। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर ने बोला था कि मैं मोदी और शाह को गुजरात भगा दूंगा, अगर नहीं भगाया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ओम प्रकाश राजभर का कहना है, जो उनके सबसे बड़े बोलेपन के कारण वो सोशल मीडिया में छाए रहते हैं। अब दोस्तों वो बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी वो दोस्तों जब सपा से अलग हुए थे तो वो बहन कुमारी मायावती की जमकर तारीफ कर रहे थे, और उनके साथ जाने का पूरा इरादा था। फिलहाल दोस्तों ना वो सपा में गए ना बसपा में गए, अब वो बीजेपी की तरफ चले गए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो छोटे दल होते हैं वो दोस्तों गठबंधन तो किसी ना किसी से करेंगे, इसमें दोस्तों कोई दो राय नहीं है। पर दोस्तों अगर आप राजनीति में उतना बोलना चाहिए जितना दोस्तों आप कर सको। आप सोचिए, अगर ओम प्रकाश राजभर अगर ये बात नहीं बोले होते कि अमित शाह और मोदी को मैंने अगर गुजरात ना भगा दिया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं, तो दोस्तों ऐसे बोल दोस्तों उन्होंने राजनीति में बोले थे, और आज वो उन्हीं के साथ चले गए। फिलहाल दोस्तों जो ओम प्रकाश राजभर आपको बता दें समाज की बात करते हैं, दोस्तों वो समाज की बात नहीं करते, वो अपना फ़ायदा देखते हैं, जिधर उनको फ़ायदा दिखता है वो उधर चले जाते हैं। फिलहाल दोस्तों आपकी क्या राय है, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर बहन कुमारी मायावती के साथ जाने की बात कर रहे थे, बसपा से गठबंधन करने की बात कर रहे थे, अब दोस्तों वो NDA गठबंधन में शामिल हो गए, मतलब दोस्तों बीजेपी के साथ चले गए हैं, जो कि दोस्तों कभी बीजेपी का घोर विरोधी थे, और अब वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। और अब दोस्तों कह रहे हैं कि जो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज है उसका भला सिर्फ बीजेपी में हो सकता है। फिलहाल दोस्तों आपकी क्या राय है पूरी रिपोर्ट पे, अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।